एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पार्टी यूनाइटेड नहीं है, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, कर्नाटका से लेकर छत्तीसगढ़ तक, जिसकी पार्टी की स्थिति टूटी फूटी है, टुकड़े टुकड़े है, वो और एक और ऐसे व्यक्ति जो खुद तो वैसे हमेशा नंबर वन अपने प्रदेश में रहना चाहते हैं, पर उनकी खुद की घटती हुई प्रासंगिकता, पॉलिटिकल रेलेवेंस इस प्रकार से है कि आज वो नंबर थ्री की पोजीशन में आ चुके हैं। ये दोनों व्यक्ति मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर एकता की और अपने लिए प्रासंगिकता की बात कर रहे थे। ये बड़ी विचित्र स्थिति थी। पार्टी टूट रही है, टूटी फूटी हो रही है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, गहलोत बनाम पायलट हो रहा है, कहीं बाघेल बनाम देव सिंह हो रहा है, कहीं खोराक बनाम पटोले हो रहा है, पर बात यूनिटी की हो रही है। और ऐसी स्थिति में जो एक दिन में तस्वीर दिखाई दे रही थी, शाम में तो और भी अनोखी स्थिति दिखाई दी। शाम आते आते भारतीय राजनीति का, जिसे मैं कहता हूं एकमात्र व्यक्ति जिसको नटवर लाल या भारतीय राजनीति का पिनोक्यो कहा जा सकता है, पिनोक्यो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स या नटवर लाल भारतीय राजनीति का, वो भी इस विचित्र स्थिति में अपने आप को शामिल कर देता है। और यदि मैं कहूं कि भारतीय राजनीति में सियासी धर्मांतरण का, पॉलिटिकल कन्वर्जन का यदि कोई जीता जागता कोई एक सबसे प्रमुख उदाहरण है, तो वो भारतीय राजनीति का ये पिनोकियो अर्थात नटवर लाल अर्थात श्री अरविंद केजरीवाल है।